हेलो फ्रेंड्स, देखो अपने कौन सी प्रश्नावली चल रही थी, घन का घन और घनमूल वाली चल रही थी, कौन सी 7.2, जिसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया था अ भाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना था, घनमूल ज्ञात करना था। क्या कह रहे हैं आपको, यह बताया गया है कि 13 से 31 एक पूर्ण घन है, ठीक है। क्या बिना गुणनखंड किए आप अनुमान लगा सकते हैं इसका घनमूल क्या है? याद हो तो अपने 7th में कुछ ऐसे ऐसे था, पर उसमें क्या था, घनमूल की जगह क्या था, वर्गमूल निकालना था। क्या निकालना था, घनमूल की जगह वर्गमूल निकालना था। बाकी सेम था, तो घनमूल जब निकालते थे तो वर्गमूल निकालते थे, क्या करते थे, समूह बनाते थे, समूह बनाया जाता था। इसी प्रकार इसमें भी क्या बनेगा, एक आपका समूह बन जाएगा। कैसे करेंगे, उससे पहले समूह बनाते थे तो उसके लिए अपने क्या देखते थे कि इकाई एकम कौन सा हो सकता है ना। तो इसमें भी देखो अपने 1 से लेके 10 तक क्या लिख लेंगे, क्यूब लिखेंगे, 1 की क्यूब 1, 2 की 8 रिपीट कर लेते हैं, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की 216, 7 की 343, 8 की 512, 9 की 729, 10 की 1000, यानी 8 जिसका इकाई अंक 2 होगा, जिसका घनमूल का इकाई अंक 2 होगा उसका क्या हो सकता है, घन क्या हो सकता है, 8 हो सकता है ना। जिसका घन सॉरी 2 होगा उसका घनमूल कौन सा हो सकता है, सिर्फ अपने क्या लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे ना। अब आपको क्या दिया है, 13 से 31। अब अपने ने पढ़ा हुआ 13 से 31 किसका होता है, याद हो तो आपको जस्ट उसके बाद वाला किसका, 11 का 11 कितना होता है आपका, 1331। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया 1331 है तो ये फर्स्ट समूह होगा, ये सेकंड, इसके चरण हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दाईं तरफ से अपने समूह बनाना स्टार्ट करेंगे। दाईं तरफ से जैसे समूह बनाए तो एक समूह ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो अपने लिख सकते हैं कि पहला समूह कौन सा हो जाएगा, 331, एंड दूसरा समूह कौन सा हो जाएगा आपका, 1। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले पहले समूह लेंगे, पहले समूह ये क्या है अपने पास, घनमूल है, तो घनमूल का इकाई अंक कितना, 1, तो उसके घन का इकाई अंक क्या हो सकता है उसमें देखेंगे, ठीक है। तो अपने ने जैसे ही सेकंड चरण लिया तो क्या देखा, लिखेंगे पहला समूह 331 में 1 लेंगे, यानी घनमूल का इकाई अंक कितना लेंगे, 1 लेंगे। जैसे ही 1 लिया, आपने 1 ले लिया, इकाई अंक किसका, घनमूल का लिया है, घनमूल का 1 लिया है तो उसका घन क्या हो सकता है, घनमूल का 1 लिया है तो मतलब इसका इकाई अंक भी क्या होगा, 1 होगा। यहां से स्पष्ट हो गया, अगर आपने देखो वर्ग में करते थे 1 की स्क्वायर भी 1 होती थी, 9 की स्क्वायर भी क्या होती थी, 81, यानी दोनों का क्या होता था, इकाई अंक होता था। यहाँ पे क्या होती थी कंफ्यूजन, थोड़ा सा लंबा होता था, इजी है आपका घनमूल तो करो, तो इसका वांछित घन कितना हो जाएगा, 1 होगा। अतः इकाई का अंक 1 होगा। इसी प्रकार थर्ड चरण देखिए, समूह दूसरा समूह क्या लिया आपने, दूसरा समूह 1 को लेंगे। अब देखो ये किसकी क्यूब हो सकती है, 1 का घन कितना है आपके पास, 1 है, और 2 का घन कितना है बताओ जल्दी से, 2 का घन कितना है, 8 है, ठीक है। अतः संख्या कितनी,
यह ढाई का अंक हो जाएगा, किसका अंक हो जाएगा, ढाई का अंक होगा। तो 1331 किसकी हो जाएगी आपकी, इकाई का अंक 11, ढाई का अंक आ गया 11, तो कितना हो जाएगा आपके पास 11। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखो आपको क्या बोला है। इसी प्रकार 1331 का आपने क्लियर कर दिया, आगे पूछ रहे कि 49 का 13 12167 32768 क्या निकालने हैं, घनमूल निकालने हैं आपको। तो अपने क्या देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो गया, इसमें आपको चार क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 और 4। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, 49 और 13 आपको करवाया हुआ है, याद होना चाहिए किसको होता है, 17 का होता है, यानी 17 की क्यूब कितनी होती है 49 और 13, कहने का मतलब अपने पास आंसर कितना आना चाहिए 17। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, समूह बनाने हैं, बनाओ इसके, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट चरण, ये क्या हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट चरण में समूह सबसे पहले बनाए, पहला समूह कौन सा हो जाएगा आपके पास, पहला समूह 913 और दूसरा समूह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, पहला समूह लेंगे, लो सेकंड चरण में फर्स्ट समूह यानी 913 में घनमूल क्या हो सकता है, 913 में इकाई का अंक, इकाई अंक क्या लेंगे 3 लेंगे, जिसका वांछित घनमूल कौन सा होगा। आप देखो इकाई अंक कितना है 3 है, किसका घन निकाल लिया। अब इसमें देख लो किसमें 3 आ रहा है, किसी में आ रहा है क्या, किसमें आ रहा है 3, किसमें आ रहा है इकाई का अंक 7 के क्यूब में, यानी कितना आएगा वांछित घनमूल 7, 7 हो जाएगा ना। देखो कैसे 913 है, इसमें इकाई का अंक कितना लेंगे 3, तो अब इसका 3 है इकाई का अंक, यानी घन मूल की का सॉरी किसी चीज का घन निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 3, तो इस तो 7 का क्या हो जाएगा इकाई घन हो जाएगा ना, क्योंकि 343 इसका क्या है 3 का, 7 का 7 की क्यूब कितनी है 343, तो 343 निकला गया 7 की क्यूब करने पर, यानी इकाई का अंक किसका किसी का घन 7 होगा, किसका इकाई का अंक 7 होगा, तो उसके घन मूल में जो इकाई अंक होगी वो कितना आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, थर्ड चरण करना, जैसे थर्ड चरण निकाला, थर्ड चरण में क्या लेंगे, दूसरा समूह क्या लोगे आप 4 लेंगे। अब ये देखो 4 लिया दूसरा समूह, इसके बीच में है दूसरा समूह 2 की क्यूब 8 ज्यादा हो जाएगा 1 की क्यूब 1, यानी 1 और 2 के बीच में है, लिखोगे 1 का घन कितना होता है 1 है, तथा 2 का घन कितना होता है 8 है, तथा संख्या कौन सी अपने पास 4 है, संख्या 4 1 व किसके 2 के घन के किसमें मध्य में स्थित है, किसमें स्थित है मध्य में स्थित है, तो अपने क्या लेते हैं छोटी संख्या, तो हम छोटी संख्या के घन को लेंगे, किसका है 1 का कितना है 1, अतः 1 क्या हो जाएगा ढाई घनमूल में, घनमूल में किसका अंक होगा ढाई का अंक होगा, ढाई का अंक होगा, अतः अपने किसका निकालना 49 और 13 क्यों किसकी निकालनी है 49 और 13। देखो इकाई का अंक कितना आ गया अपने पास 17, ढाई का अंक सॉरी 7, और ढाई का अंक कितना आ गया 1। इससे पहले आपको बताया था कि 17 की क्यूब कितनी होती है 49 और 13, तो आपको
इस तरीके से हिंदी लिख के गणना होगा, डायरेक्ट नहीं करोगे, थोड़ी बहुत हिंदी तो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार अपने एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन आप खुद करोगे, कौन सा 32,768 वाला आप खुद करोगे। मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, 12,167 कैसे करोगे, देखो 12,167 सेम है, कुछ भी नहीं है, समूह बनाने से 12,167 हमेशा समूह जो बनेंगे दाई तरफ से बनेंगे, कि अगर हमने यहां से बनाएंगे तो ये फर्स्ट हो गया, तो इस तरफ सेकंड कितना रह गया, दो रहेगी ना संख्या, और लेकिन ये कहते हैं कि दाई तरफ से बनेंगे, दाई तरफ से जैसे बनेंगे तो ये कौन सा बन गया आपका फर्स्ट, और ये क्या बन गया आपका सेकंड, तो लिखेंगे चरण फर्स्ट में लिखेंगे जो है आपका पहला समूह कितना हो गया 167 यानी 167, ठीक है। दूसरा समूह कितना हो गया आपके पास 12 हो गया, दूसरा समूह क्या हो जाएगा 12, चरण सेकंड में लेंगे, चरण सेकंड में क्या लेते हैं पहला समूह लेंगे, कैसे देखो पहला समूह 167 लेंगे, 167 लिया तो इसका इकाई है घनमूल का, या सीधा लिख देना इसका इकाई अंक, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 7 है, तो इसका वांछित घनमूल कितना हो जाएगा 7, देखो जल्दी 7 किस में आ रहा है, किसी में आ रहा है क्या 7, इकाई अंक 7 किस में आ रहा है 3 के इकाई अंक में आ रहा है, 3 के घनमूल में कितना आता है 27 यानी इकाई अंक कितना है 7, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 आता है घनमूल का वांछित इकाई अंक कितना हो जाएगा 3 होगा, कितना हो जाएगा आपके पास 3 होगा। अगर हमने उसके बाद चरण किस में लेंगे जाएंगे थर्ड में जाएंगे तो क्या लेंगे दूसरा समूह लेंगे, दूसरा समूह कौन सा आपके पास 12 है, तो 12 लेंगे, जैसे 12 लिया तो देखो 1 से बड़ा, 2 से छोटा, 3 से भी छोटा, यानी 1 और 2 के बीच में रह गया, तो क्या लिखोगे आप कितना लिया दूसरा समूह कितना लेंगे 12 2 से और 3 से है, 1 से नहीं 2 से, 2 से तो बड़ा हो जाएगा 8 और 3 से बड़ा हो जाएगा, 3 से छोटा हो जाएगा, तो क्या लेंगे दूसरा समूह कितना लेंगे 12 लेंगे, अब लिखेंगे 2 का घन 8 है तथा 3 का घन कितना होता है 27 है, तो ये क्या हो जाएगी संख्या किसके 12, 12 संख्या किस किसके मध्य 2 और 3 के घन के मध्य में होगी, संख्या 12 2 है 3 के घन के मध्य में क्या हो जाएगी स्थित होगी, और होता क्या है संख्या कौन सी ली जाती है छोटी संख्या को, हम क्या लेंगे छोटे घन को लेंगे, छोटे घन की संख्या लेगा कितनी है 2, तो अतः क्या हो जाएगा अतः घनमूल का ढाई का अंक कितना हो जाएगा, घनमूल का ढाई का अंक कितना हो जाएगा आपके पास 2, ढाई का अंक कितना हो जाएगा 2, तो निकाल दो कितने का क्यूब निकालनी है 12,167 की, तो कितना हो गया इकाई का अपने पास कितना आया 3 आया, ढाई का अंक कितना आया 23, यानी 23 की क्यूब कितनी होती है 12,167, कितनी होती है 12,167। आपका ये खुद करोगे होमवर्क है, ये आपकी कॉपी में दिया होना चाहिए, आप ये खुद करोगे 32,768, यही तरीका लगाना है सिर्फ, क्या पहला समूह कितना हो जाएगा 768 आ जाएगा, दूसरा समूह कितना हो जाएगा 32, इकाई का अंक 8 है तो किसका होगा इकाई का अंक ये किसका हो जाएगा घनमूल 2 का हो जाएगा, फिर 32 किससे बड़ा और किससे छोटा,
बेटा, 3 की क्यूब और 4 की क्यूब क्या आ जाएगा, 3 की क्यूब, तो किसका हो जाएगा, वही के आंसर ही हो गया, 2 पहले आ गया तो ये इकाई का अंक हो गया 3 बाद में, यानी 32, 32 की क्यूब हो जाएगी 32,768। आपके सामने क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया, ये 32 आंसर आएगा, मैंने बता भी दिया और तरीका भी बता दिया, तो आपके यहाँ पे क्या होगी 7.2 आपकी कंप्लीट होगी। आगे अपने नेक्स्ट कोई अदर प्रश्नावली करेंगे।